नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कनेक्ट ऑन टेक पर। तो दोस्तों, यूट्यूब पर आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें कि आपको उस वीडियो में बताया गया होगा कि SBI से बैलेंस कैसे चेक करें। तो दोस्तों, उसमें उस वीडियो में आपको बता रखा होगा कि पहले आप एक नंबर पर मैसेज करेंगे, उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा और फिर आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है और हमारे को जो कई बार मैसेज रिसीव भी नहीं होता तो हमें बैलेंस पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे आसान तरीका जिससे कि आप अपने SBI की बैलेंस इंक्वायरी जान सकेंगे, वो भी केवल 5-6 नंबर डायल करते ही आपको आपका बैलेंस पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा अपने डायल पैड में जाकर, और उसके बाद आपको जो बैलेंस जैसे जैसे वो बोलेगी आपको उस वाला नंबर आपको डायल करना होगा और उसके बाद आपका बैलेंस आपको सुनाई दे जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दोस्तों करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा अपने डायल पैड पर और फिर हम वहाँ से वाला नंबर डायल करेंगे। तो चलिए अब आपको नंबर में डायल करके दिखाता हूँ और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और जैसे जैसे वो बोलेगी वाला नंबर हम प्रेस कर देंगे तो हमारे को हमारा बैलेंस सुनाई दे जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चलिए डायल पैड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए ये हम डायल पैड पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ से हमें नंबर में जाना पड़ेगा, बहुत ही इजी नंबर है। तो देखिए, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर ये है 1800-1234। तो दोस्तों, ये नंबर है, देखिए केवल 8 अंकों का नंबर है, 1800-1234। तो इस नंबर पे हम जैसे ही चलो कॉल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या बोलती है। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो अब दोस्तों, यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज चेंज करने के लिए 1 दबा देते हैं। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड। अब दोस्तों, हम यहाँ से 1 दबा देते हैं। आपके खाते का बैलेंस है 9,96 रुपए। और आईडी फिर से पिछले 5 लेन देन सुनने और SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो भी वो आपका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वाला नंबर पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लास्ट ट्रांजेक्शन भी मिल जाएगी आपको 5। और अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड है तो वहाँ से आप अपनी जो है स्टेटमेंट भी ईमेल पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया आए तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।